दर्रे का देश, देवताओं की भूमि और मणियों की भूमि लाहौल स्पीति, लद्दाख का दक्षिण जिला, आज हम उसी की बात करेंगे। जी हाँ, इसे लाहौल का मतलब देवताओं की भूमि, दर्रों का देश और स्पीति का मतलब होता है मणियों की भूमि। स्पीति का मुख्यालय आपका काजा में है और पहले ये ढांकर में था, और लाहौल का मुख्यालय केलोंग में है। जी हाँ, आज हम इसी क्षेत्र की बात करेंगे। लाहौल को गारजा और स्मांगला भी कहा जाता है। और अगर हम यहाँ के प्राचीनतम इतिहास की बात करें, मनु को इस क्षेत्र का प्राचीन शासक बताया गया है, और कनिष्क कुषाण वंश के समय यह क्षेत्र उनके कब्जे में था। हर्षवर्धन के समय भी 606 से 664 ईस्वी के आसपास लाहौल का संबंध उनके साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। अगर हम बात करें उसके बाद धीरे धीरे कश्मीर लद्दाख का ये दक्षिणी जिला बना। 1080 से 1560 तक यहाँ पे इन्होंने राज किया लद्दाखियों ने। उसके बाद चंबा के राजा, जैसे कि हम सभी जानते हैं, मिरकुल देवी मंदिर चंबा के राजा प्रताप सिंह बर्मन ने बनाया है। 1560 ईस्वी के आसपास उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया, यहाँ पे आक्रमण किया और राज किया। फिर कुल्लू के राजा के अधीन भी ये क्षेत्र रहा, जैसे 1637 से 1720 ईस्वी के आसपास। और उसके बाद पंजाब के अंडर ये रहा 1840 ईस्वी के पास। उसके बाद 1840 के बाद 1840 और उसके बाद ये अंग्रेजों के अधीन आ गया। जैसे कि हम सभी जानते हैं, लाहौल स्पीति 1941 में उपतहसील बना, मुख्यालय केलोंग जिसका था। लाहौल स्पीति 1960 ईस्वी में जिला पंजाब जिला बना, पंजाब सरकार ने इसे जिला घोषित किया 1960 में। और 1 नवंबर 1966 को लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का जिला बना और केलोंग इसका मुख्यालय है। लाहौल का मतलब होता है दक्षिण जिला, यानी कि उसमें ये लद्दाख का दक्षिण जिला था, और दर्रे का देश, और स्पीति को मणियों की भूमि कहा जाता है, जिसका मुख्यालय पहले ढांकर में था और बाद में काजा स्थानांतरित किया गया। तो दोस्तों, इस तरह से विभिन्न विभिन्न जिलों ने यहाँ पे जो है कब्जा किया। और आइए जानते हैं कुछ बेहद रोचक तथ्य लाहौल स्पीति के बारे में। जिले के रूप में गठन 1 नवंबर 1966 को, जिला मुख्यालय केलोंग, केलोंग ही एकमात्र यहाँ की डेंस सिटी है। जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 77.24% और कुल क्षेत्रफल हम आपको बता रहे हैं 13,835 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद दस की अभिवृद्धि हमारे पास जो 5.10%, लिंग अनुपात 916 2011 जनगणना के अनुसार हम आपको ये जैसा बता रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये 1966 को हिमाचल प्रदेश का जिला बना। और प्रमुख दर्रों की अगर हम बात करें, जैसे कि रोहतांग दर्रा जो लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है, रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का ढेर, बंगाल दर्रा लाहौल और बड़ा बंगाल के बीच, शिंगड़कोन दर्रा लाहौल और जौस्कर के बीच, कुंजम दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, कुगदी दर्रा लाहौल को ब्रह्मोर से जोड़ता है, बारलाचा दर्रा लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। और इस दर्रे पर जौस्कर, स्पीति, लाहौल और लद्दाख की सड़क के आसपास में मिलती है। इसे दर्रे से चंद्रा भागा और यूनान नदियाँ निकलती है। उसके बाद हम बात करते हैं धीरे धीरे हामटा दर्रा, ये कुल्लू और स्पीति के बीच में है। छोबिया दर्रा, ये आपका लाहौल भरमौर के बीच में है। उसके बाद है गुलारी दर्रा, ये आपका लाहौल में है। उसके बाद है दुगी जोत आपका भरमौर और लाहौल के बीच में है। और उसके बाद है लालोनी जोत, ये लाहौल स्पीति के बीच में है, लाहौल स्पीति में है। पिन पार्वती, ये आपका कुल्लू और स्पीति के बीच में है। ये दर्रों का देश, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाहौल स्पीति को कहा जाता है। और बारलाचा दर्रा, इसका मतलब होता है चौराहे को मिलाने वाला दर्रा, यानी कि यहाँ पे जौस्कर, स्पीति, लाहौल और लद्दाख की सड़कें आपस में मिलती है। और प्रमुख ग्लेशियर की बात करें, बड़ा शिगड़ी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर 25 किलोमीटर लंबाई यहाँ पे है। मियार सबसे ऊंचा ग्लेशियर यहाँ पे है। और कुल्टी कोक्सर में है। गिफांग, जिसे लाहौल का मणि महेश भी कहा जाता है। द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, ये महत्वपूर्ण ग्लेशियर यहाँ पे उपस्थित है। और जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से चंद्रा नदी को पानी मिलता है, उसका उद्गम स्थान यहीं से होता है, बड़ा शिगड़ी से। और आपके मियार ग्लेशियर से मियार नदी को पानी मिलता है। और उसके बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गिफांग ग्लेशियर से लाहौल का मणि महेश
कहा जाता है। और उसके अलावा मुल्किया ग्लेशियर या ग्लेशियर लाहौल स्पीति में स्थित है। इस ग्लेशियर से भागा नदी को जल मिलता है और ब्यासकुंड ग्लेशियर यहाँ पे है। नदियों की बात करें, चंद्रा, भागा, स्पीति और पिन लाहौल स्पीति की प्रमुख नदी है। चंद्रा और भागा नदी बारलचा दर्रे से निकलती है। चंद्रा नदी की बात करें तो ये शिगड़ी ग्लेशियर से होते हुए तांदी तक बहती है। चंद्रा नदी को बड़ा शिगड़ी और समुद्री ग्लेशियर से पानी मिलता है। कोकसर, सिसु, गोंदला चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। भागा नदी बारलाचा दर्रे से निकलकर सूरजताल, सूर्य की झील में प्रवेश करती है। और उसके बाद स्पीति नदी, ये किन्नौर की प्रमुख नदी है, जो खाब के पास सतलुज नदी में मिलती है। मोरक, रंगरिक, धनकर, ताबो स्पीति के किनारे बसे हुए प्रमुख गाँव है। पिन नदी स्पीति नदी की सहायक नदी है। अगर हम बात करें चंद्रा और भागा, चंद्रमा की पुत्री चंद्रा और सूर्य का पुत्र भागा, इनकी शादी किसी कारणवश नहीं हो रही थी। जिस स्थान पर ये मिले जहाँ इनकी शादी हुई, कालांतर में वही स्थान तांदी खिलाया। ओके गाइस, तो तांदी का मतलब था तन देही, यानी कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने यहाँ पे तन छोड़ा था, तन देही, वहीं से इसका नाम तांदी पड़ा। ऋषि वशिष्ठ को भी यहाँ पे दफनाया गया था। ऋषि वशिष्ठ के साथ साथ अगर हम बात करें, चंद्रा और भागा नदी का यहाँ पे संगम होता है, जिसको चंद्रा भागा कहा जाता है। और इसके बाद चंबा के भुजिंद में ये प्रवेश करती है, जहाँ इसे चिनाब के नाम से जाना जाता है। और फिर संसारी नाले के पास ये चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। जी हाँ, ये बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस तांदी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। बेदी मशहूर और शक्तिशाली मंदिर यहाँ पे है। जैसे कि अगर हम बात करें त्रिलोकीनाथ मंदिर, यह मंदिर लाहौल स्पीति के उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर अभिलोकितेश्वर की मूर्ति है, जिसे जो है बुद्धिस्ट लोग अभिलोकितेश्वर मानते हैं, लेकिन हिंदू लोग मानते हैं कि इसका निर्माण पांडवों ने किया और वे भगवान शिव जी के रूप में इसकी पूजा करते हैं। और बुद्धिस्ट मानते हैं कि पद्मस्वम ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया। उसके बाद मिरुकला देवी मंदिर, यह मंदिर लाहौल स्पीति के उदयपुर में स्थित। भीम के कहने पर विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया। 8 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दनी के रूप में मिरुकला माता को माना जाता है। मर्दनी को महिषासुर को मारने के बाद जो माता ने जो खून का खप्पर, वो अभी भी मूर्ति के पीछे रखा जाता है। कहा जाता है कि उसको देखा नहीं जाता, अगर कोई देखता तो वो अंधा हो जाता है। वैसा हुआ भी था 1905 और 6 के बीच में। इस मंदिर का निर्माण अजय बर्मन ने करवाया। कश्मीरी कनौज शैली में ये बना, 2630 मीटर की हाइट में। और उसके बाद अगर हम बात करें ताबो गुंपा का निर्माण 996 ईस्वी में तीर्थी राजा ये शशोयाद ने करवाया। ये गुंपा स्पीति में स्थित है। की गुंपा ये भी स्पीति में स्थित है, सबसे बड़ा गुंपा। इसका निर्माण ड्रोमटोन यानी कि ब्रोमस्टोन ने 1064 जो है ईस्वी में करवाया। और उसके बाद हमारे पास जो है गुरुघंटाल गुंपा लाहौल के तुपचलिंग गांव में स्थित है। यहाँ अभिलोकितेश्वर की 8वीं शताब्दी की मूर्ति है, जिसका निर्माण पद्मस्वरूप ने करवाया था। यहाँ प्रतिवर्ष जून के महीने में घंटाल उत्सव मनाया जाता है। छठवा गैमुर गुंपा केलोंग से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सातवा कारदांग गुंपा कारदा गांव में स्थित है, इसकी स्थापना 900 ईस्वी के आसपास हुई। लामा नोरवू ने 912 ईस्वी में इसका पुनः निर्माण कराया। शाशुर गुंपा का निर्माण गुयोत्सु द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया, यह लाहौल में स्थित है। और उसके बाद तायुल गुंपा का निर्माण 17वीं शताब्दी में लामा सर्जन रिनचेन ने करवाया। यहाँ पर पद्मस्वरूप की 5 मीटर की ऊंची प्रतिमा है। यह गुंपा डोंगमा में उपस्थित है। तो दोस्तों, इसे गुंपा, एक तरह से गुंपा की धरती भी कहा जाता है। यहाँ पर काफ़ी गुंपा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि की गुंपा और ताबो गुंपा। की गुंपा स्पीति नदी के बाएं किनारे पर स्थित यह गुंपा स्पीति का सबसे बड़ा गुंपा है और ताबो काजा के पास सबसे पुराना गुंपा है। ताबो मठ माहियान के किलुपा मत से है और राजा गेपन लाहौल के जो कुल देवता माने जाते हैं। अगर हम यहाँ के मेलों की बात करें तो यहाँ पे राज्य स्तरीय लदराचा मेला काजा में जो लगता है, और त्रिलोकीनाथ जिसे पूरी मेले के नाम से भी जाना जाता है, उदयपुर का जिला स्तरीय मेला है। सिसु मेला, बेदी मशहूर यहाँ का फागली मेला, हालदा मेला और लोसर मेला। लोसर मेला नववर्ष आगमन का त्यौहार है, जो दिवाली के जैसा है। और लदराचा मेला हर वर्ष जुलाई में मनाया जाता है किम्बर गांव में। तो इस तरह के छोटे छोटे मेले, फागली मेला भी यहाँ का काफ़ी मशहूर है। अगर हम यहाँ के पर्यटक स्थल की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत पर्यटक स्थल है, जैसे कि की मोनेस्टरी, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे बड़ी मोनेस्टरी, कुंजम पास, पिन वैली नेशनल पार्क जिसको 1987 नेशनल पार्क का दर्जा मिला। उसके बाद ताबो मोनेस्टरी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। उसके बाद चंद्रताल लेक,
चंद्रताल, चंद्र का ताल 1270 मीटर, चंद्रा नदी का जहाँ से उद्गम वो स्थल स्थान है, चंद्रमा से इसका जो है संबंध है। उसके बाद है लालुंग मोनेस्ट्री, धानकर गोम्पा, ढांकर फोर्ट, काजा स्पीति, ओल्ड काजा, न्यू काजा, ये हम सभी जानते हैं। किम्बर दुनिया का सबसे मोटरेबल हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, उदयपुर ऑफ हिमाचल प्रदेश, लोसार स्पीति का अंतिम गांव, लांगजा विलेज, धनकर लेक जहाँ पे भगवान शिव जी के नंदी जी ने एक बार पानी पिया था और कहा जाता है उसके बाद यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी उत्पन्न हुआ कि ये एक लेक के रूप में परिवर्तित हुआ। कॉमिक हाईएस्ट विलेज बिल्कुल किम्बर के साथ में, बारलाचा, बारलाचाला, उसके बाद ताबो केब, कुंगरी मोनेस्टरी, दारचा और सूरज ताल, सूरज का ताल, विश्व की 21वीं, भारत की 3री और हिमाचल की सबसे ऊंची झील 4883 मीटर की ऊंचाई पे ये यहाँ पे है। सूरज ताल यानी कि सूर्य का पुत्र भागा, भागा नदी का उद्गम स्थल सूरज ताल को माना जाता है। 4883 मीटर की हाइट पर ये लेक है। चंद्रताल, चंद्र का ताल जिसे लोहितिया सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, 4270 मीटर की हाइट पे चंद्रा नदी का उद्गम स्थल। देवराज इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग अपने रथ पर यहीं से इसी जगह से लेकर गए थे मानव रूप में। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी मोनेस्टरी गोम्पा की मोनेस्टरी और सबसे ओल्डेस्ट ताबो, लोक नृत्य का जिक्र करें तो शेहनी, धुरे, शाबू, शांत, लकत्रांबा, चारफी, घारपी लाहौल स्पीति का सबसे पुराना जो लोक नृत्य माना जाता है। अगर घाटियों की बात करें, बेदी खूबसूरत घाटियाँ जैसे कि चंद्रा घाटी, भागा घाटी और चंद्रा भागा घाटी, और जो चंद्रा नदी और भागा नदी के तट पे बसी हुई है बेदी खूबसूरत और सुंदर घाटियाँ, रंगोली घाटी, चंद्रा घाटी और भागा घाटी को पतन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है, किम्बर वन्यजीव अभयारण्य, 1400 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर 1992 में इसकी स्थापना हुई। बेनघाटी नेशनल पार्क 675 वर्ग किलोमीटर, 9 जनवरी 1987 को ये राष्ट्रीय उद्यान बना। हिमाचल प्रदेश के 5 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों में से एक बेनघाटी नेशनल पार्क, लाहौल स्पीति, किम्बर में भरवानी तेंदुआ यानी कि जो हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है, जानवर है, वो यहीं पे इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलता है। जल विद्युत परियोजनाओं की अगर हम बात करें, छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएँ यहाँ हैं, लेकिन स्पीति बेसिन पे काफ़ी यहाँ पे जो है डिवेल्प किया जा रहा है नवीकरणीय ऊर्जा को। थिरोट जल विद्युत परियोजना यहाँ पे है, रोंगटोंग यहाँ पे है, चिनाब बेसिन पे 6000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता चिन्हित की गई है। अभी ये जो एक SJVN लिमिटेड के द्वारा 880 मेगावाट का मेगा सोलर पार्क यहाँ पे बनाया जा रहा है, ये डिवॉल्व किया जा रहा है, अभी बनाया नहीं गया हुआ है। और 6000 मेगावाट की एक इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी आपकी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट, और अभी उसमें ये डिसाइड किया गया है इन फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा सोलर एनर्जी यहाँ पे। बेदी महत्वपूर्ण जानकारी जिला लाहौल स्पीति के बारे में जो शायद ही किसी बुक में आपको मिलेगी। देश का दूसरा लंबा पुल दारचा में है, लाहौल स्पीति, भागा नदी पर 360 मीटर, मनाली ले नेशनल हाईवे पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, अपनी किस्म का ये दूसरा सबसे लंबा पुल। ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी रोहतांग टनल 9.02 किलोमीटर बनकर तैयार हुई, 3 अक्टूबर 2020 को इसका जो प्रधानमंत्री ने ये राष्ट्र को समर्पित की, 2010 से इसका काम चला था। हिंसांग ने 635 ईस्वी में कुल्लू और लाहौल की यात्रा की। रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का ढेर, लाहौल को गार्ज और समांगला भी कहा जाता है। और विलियम मूरक्राफ्ट 15,537 फीट, लाहौल स्पीति का कॉमिक दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है। विलियम मूरक्राफ्ट 1820 ईस्वी में लाहौल की यात्रा की। लाहौल संस्कृतियाँ ने लाहौल को देवताओं की भूमि और वर्ल्ड इनसाइड वर्ल्ड कहा। जर्मनी पादरी AW हाइड ने काफ़ी इस इलाके को डेवलप किया, जैसे कि 1857 ईस्वी में आलू की खेती शुरू की, 1925 में कूट की खेती शुरू हुई, केलोंग में 1869 ईस्वी पोस्ट ऑफिस को ला गया, 1949 में जो है पोस्ट ऑफिस की शाखा खुली आपके काजा में। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पे स्कूल भी खोला, बहुत ही अच्छी जो एक बात है, 1869 आपका 1862 ईस्वी के आसपास, और काजा में 1932 ईस्वी में उन्होंने स्कूल खोला। और दोस्तों, टशीगंज
टशीगंग देश एवं दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र चीन सीमा से महज 10 किलोमीटर दूर यहीं पे है। और गामहिकिन में दुनिया का सबसे ऊंचा डाकना यानी 1983 में जो बना 14,567 फीट की हाइट में, टशीगंग की हाइट है 15,256 फीट। और आप देख सकते हैं और बेहदी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको इसमें एकत्रित की है। एक चीज़ इसमें और भी है कि अंग्रेज़ों ने वजीर अमीर चंद को राय बहादुर की उपाधि 1917 ईस्वी में दी और हब्स की खेती 1980 में शुरू हुई। चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल का विलय 1976 ईस्वी में हुआ। अंग्रेज़ों ने बलीराम को लाहौल का पहला नेगी बनाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसके दौरान जो है वजीर अमीर चंद ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी, इसलिए से राय बहादुर की उपाधि 1917 ईस्वी में दी गई। ये आपके ए डब्ल्यू हाइट और मिसिज ए डब्ल्यू जो हाइट थी, इन्होंने लाहौल के क्षेत्र को काफ़ी डिवेलप किया। एक जर्मन पादरी था, जैसे स्कूल बनाए, पोस्ट ऑफिस बनाए, है ना, कूट की खेती वहाँ पे शुरू की, यहाँ वहाँ के लोगों को एनकरेज किया। और 15,537 फीट की हाइट में अगर हम कॉमिक विलेज की बात करें, कॉमिक के बिल्कुल बगल में लगता है किम्बर, तो कई जगह लिखा होता है कि किम्बर इज़ द हाइस्ट विलेज इन द वर्ल्ड, लेकिन कॉमिक भी एक्यूरेट है। तो दोस्तों ये था हमारा प्यारा खूबसूरत दर्रे का देश, देवताओं की भूमि दक्षिण जिला और मणियों की भूमि लाहौल स्पीति। 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश का जिला बना। बेहद ही खूबसूरत। धन्यवाद।